मोदी के दौरे के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मोदी के भाषण को सुनने के लिए परेड ग्राउंड में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा का दावा है कि इस दौरान तकरीबन 40,000 की करीब महिलाएं रैली का हिस्सा बनेंगी। ये देखिए, भारी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पहुंची हैं जोर शोर के साथ, और इसी पर आपको पंकज राणा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगर खासकर महिलाओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं के आने का सिलसिला यहां शुरू हो गया है, और सब में उत्साह है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार उत्तराखंड बने, उसके नारे लगाए जा रहे हैं। सबके हाथ में प्रधानमंत्री और कमल के फूल का फोटो है। तो ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार जो उत्साह है कार्यकर्ताओं वो नजर आ रहा है, और संख्या लगातार बढ़ भी रही है। और लगातार ये कहा जा सकता है कि क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है और सरकार बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो महिलाओं की होती है, और इसीलिए महिलाओं की संख्या भी यहाँ ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संख्या ज़्यादा होगी तो उससे ये लगेगा कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ खड़ी हुई हैं। हालांकि जो तमाम कार्यकर्ती हैं ये भाजपा की ही हैं, और लगातार जय श्री राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं कंचन जी, कितना उत्साह लग रहा है आज? आज बहुत, जैसे घर परिवार में कोई शादी हो उसी तरह के बहनों में उत्साह है। आज उत्तराखंड में 40,000 महिला मोर्चा की बहने आज मोदी जी को सुनने आ रहे हैं, आज मोदी जी को पहले अग्नि बधाई भी देने आ रही है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको कि एक बार फिर सरकार बनेगी क्या भाजपा की? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल सरकार बनेगी भाजपा की, बहुमत से बनेगी। महिला आधी आबादी है महिलाओं की और संख्या अभी ज्यादा नजर नहीं आ रही है, तो क्या लग रहा है कितनी संख्या होने वाली है? हमारी जो बहुत सारे जो बड़े कार्यकर्ता है, हम लोगों को प्रदेश ने यहाँ इनको संभालने के लिए भेजा है, बाकी अभी हमारे मंडल वार्ड और नगर से विधायकों के नेतृत्व में, उनकी टीम के नेतृत्व में आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं, भर के आ रही हैं। थोड़ी देर में आपको चारों तरफ महिला ही महिला दिखाई, आधी आबादी है महिलाओं के प्रदेश में, तो क्या आह्वान करेगी महिलाओं से? मोदी जी के भाषण का कितना असर पड़ने वाला है? मोदी जी के भाषण का असर ही असर है, और जो कुछ हो रहा है मोदी जी महिलाओं को केंद्र में रख के हर योजना को कर रहे हैं। उत्साह नजर आ रहा है, उन महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ये कहना है महिला मोर्चा का कि इस प्रांगण में तकरीबन 40,000 के करीब महिलाओं को इकट्ठा किया जाएगा, ताकि महिला यहाँ आती हैं तो ये संदेश जा सके कि भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। देखिए, आधी आबादी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं, अपना जन समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। जब संख्या की बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी महिलाएं आनी शुरू हुई हैं, और आप देखिएगा जब तक पीएम पहुंचेंगे तब तक आधी आबादी की संख्या भी यहां पर आपको ज्यादा दिखाई देगी। ये तस्वीरें देखिए, पारंपरिक ड्रेस में भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये महिलाएं जो कि नथ उत्तराखंड की पहचान है उसे पहनकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ महिलाएं समर्थन दे रही हैं। ये महिला कार्यकर्ता हैं जो कि पीएम को सुनने के लिए पहुंची हैं, काफी उत्साहित हैं, और जब उनसे हमारे संवाददाता पंकज राणा ने बातचीत की तो उनका कहना है कि वो काफी खुश हैं, और जिस तरीके से घर में कोई समारोह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, उसी तरीके से आज वो उत्साहित हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद पीएम भी पहुंच जाएंगे, वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे।